Hey friends, welcome to my channel. आज हम bird feeder बनाना सीखेंगे. Birds के conservation के लिए हम इसे use कर सकते हैं. तो चलिए इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वह हम देखते हैं. सबसे पहले आपको आइसक्रीम स्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. आप used या फिर fresh market से ख़रीदे हुए आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं. इनके अलावा कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी. किसी भी थिकनेस का आप कार्डबोर्ड ले लीजिए, कलरफुल शीट, एक्रेलिक पेंट्स, कलरफुल थ्रेड, ग्लू, ब्रशेस पेंट करने के लिए, स्केल, पेंसिल एंड सीज़र. तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं. सबसे पहले मैंने कार्डबोर्ड को 8x8 इंचेस में मार्किंग कर दिए हैं. अब हम इसे सीज़र से कट कर लेंगे. अब मैंने स्टिक्स लिए हैं और स्टिक्स में हम कलर करेंगे. मैंने लाइट ब्लू कलर का बेस तैयार किया है. आप कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं. इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की लाइनिंग की है. ये डायगोनल लाइनिंग है. आप डॉट डॉट्स भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के जो पैटर्न हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं. ये मैंने कुछ स्टिक्स हैं जो पहले से कलर करके रख लिए. अब हम कार्डबोर्ड के एज पर इसे चिपकाएंगे. ये बेस के लिए हमने वन लेयर का स्टिक लगाया है. अब इसके 6 लेयर के बेस तैयार हो गए हैं. अब हम ऊपर रूफ बनाने के लिए मैंने हट शेप यूज़ किया है. जो कलरफुल शीट है अब हम उस पर ग्लू लगाकर स्टिक्स अरेंज करेंगे. मैंने सारे कलर्स यूज़ कर लिए हैं रूफ टॉप बनाने के लिए. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. अब बेस पर कॉर्नर में हम डबल साइडेड टेप लगाएंगे. इससे हमारे जो रूफ हैं वो सपोर्ट के लिए रेडी हो जाएंगे. ये कुछ इस तरह से लगेगा. अब रूफ टॉप लगाने के लिए मैंने फिर से डबल साइडेड टेप का यूज़ किया है. चारों साइड डबल साइडेड टेप लगाने के बाद अब हम रूफ टॉप को इस पर सेट कर देंगे. और फाइनली ये रूफ टॉप इस तरह से सेट हो जाएगा. रूफ टॉप सेट होने के बाद मैंने कलरफुल थ्रेड से इसे हैंग करने के लिए इसे टाई कर दिया है, ताकि आप इसे कहीं भी
चिपका सकते हैं, कहीं भी इसे लगा सकते हैं, कहीं भी टांग सकते हैं। तो फाइनली ये इस तरह से दिखेगा।